नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। 9 अप्रैल दिन शुक्रवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी का एक्शन, 55 करोड़ की संपत्ति अटैच। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली। मुस्लिम धर्मगुरु की रमजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील। उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर की पत्नी लड़ेंगी पंचायत चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में घुस गई विधायक की गाड़ी, कटा चालान। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने गायत्री प्रजापति और रिश्तेदारों के नाम खरीदी गई 60 कीमती संपत्ति और 57 बैंक खाते सीज कर दिए हैं। 60 संपत्ति की कीमत करीब 55 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ईडी की जांच में गायत्री प्रसाद प्रजापति और परिवार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी की ओर से खुलासा किया गया है कि जिस गायत्री प्रजापति और उसकी पत्नी की 2012 तक सिलाई कढ़ाई पर 10 से 15 हजार रुपए महीने कमाने की हैसियत थी, उसी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी 2013 में लोनावाला में एक आलीशान बंगले की मालकिन हो गई। पढ़ाई कर रही प्रजापति की दो बेटियां प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगी। साल 2013 से 2017 के बीच पत्नी और दो बेटियों के खाते में 6,60,00,000 रुपए जमा हुए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी गई। सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी वकील बदल दिए गए हैं और वकालतनामा दाखिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए 2 हफ्ते सुनवाई टाल दी जाए। अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी ने याचिका लगाई थी। इस याचिका में अफशान ने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसके खिलाफ निष्पक्ष रूप से मुकदमा चलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। अफशान अंसारी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार की जान को गंभीर खतरा है। लखनऊ में रमजान और कोरोना को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मलील ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को रमजान का चांद देखा जाएगा। अगर 12 अप्रैल को चांद नहीं दिखा तो 14 अप्रैल 2021 को पहला रोजा होगा। मौलाना ने रमजान में कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की है। उन्होंने सहरी और इफ्तार में लोगों से कोरोना के खात्मे की दुआ करने की अपील की। मौलाना ने कहा कि नाइट कर्फ्यू का ध्यान रखते हुए अव्वल वक्त में नमाज इशा पढ़ाई जाए, इसके बाद तरावीह की नमाज पढ़ाई जाए। मौलाना ने यह भी कहा कि किसी भी मस्जिद में 1.5 पारे से ज्यादा ना पढ़ा जाए। साथ ही मस्जिद में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। मस्जिद में मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मौलाना ने आगे कहा कि शहरी में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना करें। उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से बीजेपी का मोह खत्म नहीं हुआ है। पार्टी ने कुलदीप की पत्नी संगीता सेंगर को पंचायत चुनाव में टिकट से नवाजा है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 22 फतेहपुर 84 तृतीय से मैदान में उतारा गया है। इससे पहले 2016 में संगीता सेंगर निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। टिकट की घोषणा के बाद से उन्नाव में विरोध के सुर उठने लगे हैं।
आपको बता दें कि साल 2016 में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा प्रत्याशी ज्योति रावत और सपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था, जिसमें दोनों प्रत्याशियों को बराबर 26-26 वोट मिले थे, जिसके बाद लॉटरी डालकर संगीता सेंगर को विजय घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर तेजी से अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना बेकाबू रफ्तार को देखते हुए सीएम योगी अब खुद मैदान में उतर पड़े हैं। सीएम योगी आज सबसे पहले संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कोविड के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ कोरोना स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम के दौरे के दौरान अचानक कौशाम्बी के विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी सीएम की फ्लिट के बीच में आ गई। इसके बाद सीएम की सुरक्षा में लगे जवानों ने तुरंत विधायक की गाड़ी रुकवा दी। यही नहीं, इसके बाद विधायक की गाड़ी का चालान भी काट दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।